गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टेक आउट योर साइंस बुक्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 का पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19। ठीक है, सो राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज। 22/6/2020, क्लास वर्क एंड द डे इज मंडे। ओके, द स्टेम। ऑल प्लांट्स हैव स्टेम्स। द स्टेम इज अ मेन पार्ट ऑफ द शूट। इट इज मोस्टली अपराइट। Branches, leaves, and birds grow on it. Trees usually have hard, woody, strong stem. These stems have a thick cover with a thick bark. Bark क्या होता है कि जिसने trunk को cover किया होता है उसको हम कहते हैं bark. Some trees have a thick but soft green stem. Some stems are weak. They cannot hold the plant upright. Some plants climb with the help of a support. They are called climbers, underlined climbers. Functions of stem, yani stem ka kya kaam hai? It takes water from the roots to the leaves. Leaves use this water to make food. Leaves prepare food for all parts of plants. Stem takes this food to all parts of the plant. The stem supports means madad karna. The plant above the ground. Sometimes stem stores the food made by the leaves. For example, sugarcane is a stem which stores the food. Okay, आज हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? स्टेम के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्टेम। अब उन्होंने कहा है कि हर प्लांट्स के पास क्या मौजूद होती है? स्टेम। ठीक है, कोई भी प्लांट अगर आप देखते हैं तो उसके में क्या मौजूद होती है? स्टेम मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्री देखते हैं, ये ट्री की स्टेम आपको दिख रही है, ये बनाना ट्री है, इसकी स्टेम आप देख रहे हैं। स्टेम उन्होंने कहा है शूट का मेन पार्ट होता है। शूट क्या था कि प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है उसे हम कहते हैं शूट। और शूट में सबसे ख़ास चीज़ क्या आती है? स्टेम। क्या आती है? स्टेम। इट इज़ मोस्टली अपराइट, यानी ये ऊपर की तरफ होता है। और इस पर क्या ग्रो कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टेम है तो स्टेम में क्या ग्रो कर रहे हैं? लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सब किस पे ग्रो करते हैं? स्टेम पे। अब अगर आप बात करते हैं सबसे पहले ट्रीज़ के बारे में, तो ट्रीज़ की स्टेम अगर आप देखते हैं तो आपने कभी हाथ भी उसको लगाया और टच किया हो या फील किया हो तो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? हार्ड होती है, यानी सख्त होती है। वुडी होती है, यानी वो लकड़ी की होती है। एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, यानी वो आसानी से टूटी नहीं जा सकती, बहुत मजबूत होती है। अब स्टेम आर कवर्ड विद अ थिक बार्क, यानी इस स्टेम को किसने कवर किया हुआ है? एक बार्क, यानी ट्री के ऊपर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कभी कभार लगता है कि जैसे इस चीज़ को कवर किया हुआ है और आप उसको उतारना चाहें तो वो थोड़ी बहुत उतर भी आती है। ठीक है, तो बार्क क्या होती है? वो चीज़ जो स्टेम को क्या कर रही है? कवर कर रही है। सम ट्रीज़ हैव थिक बट सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। उन्होंने कहा कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। जिस तरह अगर आपने बनाना ट्री देखा हो तो उसकी स्टेम किस कलर की है? ग्रीन। और ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, इतनी हार्ड नहीं होती। अब आ जाते हैं अगला। अब कुछ स्टेम्स, ठीक है, कुछ स्टेम उन्होंने कहा कैसी होती है? वीक होती है। वीक मीन्स वो, यानी खुद से खड़ी स्ट्रेट नहीं हो पाती। दे cannot hold the plant upright, यानी वो प्लांट को स्ट्रेट खड़ा नहीं कर पाती। जिस तरह इस ट्री ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है, क्या ये प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो पा रहा है? नो। सच प्लांट्स क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। उन प्लांट्स को खड़ा करने के लिए किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट्स की स्टेम हार्ड होती है, कुछ की सॉफ्ट होती है, कुछ की क्या होती है? बहुत वीक होती है, कि जो खुद से खड़े नहीं हो पाते, इसलिए हमें या तो किसी एक्स्ट्रा वुड की ज़रूरत पड़ती है कि उसके गिर्ड प्लांट क्या करे? ग्रो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेप का प्लांट्स देखें, अंगूरों के, या आप मटर, ठीक है, पीस के पौधे देखें, तो वो क्या होते हैं? उनकी स्टेम बहुत वीक होती है और उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? क्लाइंबर्स, यानी ये खुद से खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, अब स्टेम का काम क्या है? फंक्शन ऑफ अ स्टेम का काम क्या है? हमने कहा था कि रूट्स का काम क्या है, कि उसने सॉइल से पानी लेना है और फिर ऊपर लीव्स को देना है। ठीक है, तो ऊपर लीव्स तक कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? जी, स्टेम। इट टेक्स वाटर फ्रॉम द रूट्स। उसने क्या किया? रूट से पानी लिया और आगे किसको पहुंचा दिया? लीव्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये रूट्स थी तो रूट्स से पानी कौन ले रहा है? स्टेम। और स्टेम आगे किसको पहुंचा रहा है? लीव्स को। लीव्स यूज इज वाटर टू मेक फूड, क्योंकि लीव क्या करते हैं? वो पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि
प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? खाना. तो लीव्स इन पानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या बना सकें? फूड. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. लीव्स क्या करते हैं? तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. स्टेम टेक दिस फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जब लीफ जो पार्ट है वो जब खाना बना लेता है तो उसको बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक कौन पहुंचाता है? स्टेम. फॉर एग्जांपल, लीफ ने यहाँ बना लिया फूड, अब बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को चाहिए, रूट्स को, स्टेम को, लीफ को, बर्ड्स को, फ्लावर्स को, तो उसको कौन लेके जाता है? स्टेम. द स्टेम सपोर्ट्स अ प्लांट अबव द ग्राउंड. अब ज़मीन के ऊपर पौधे को खड़ा करने में मदद कौन दे रहा है? स्टेम दे रहा है. कौन देता है? स्टेम. कुछ उन्होंने कहा है समटाइम्स स्टेम स्टोर द फूड मेड बाय द लीफ. अब उन्होंने कहा है लीफ का काम खाना बनाना है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कभी कभार स्टेम अपने अंदर क्या स्टोर करता है? फूड, यानी खाना जमा कर लेता है, जो कि किसने बनाया होता है? लीव्स ने. फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर केन देखते हैं, ठीक है, आप लोग उसका जूस भी पीते होंगे. शुगर केन अगर आप देखें तो शुगर केन एक क्या है? स्टेम है, और स्टेम है, और हम उसको खाते भी हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर होता है? फूड होता है. इसी तरह अगर आप पोटैटो देखें या अनियन देखें, वो दोनों एक क्या है? स्टेम है. और हम उनको क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी स्टोर है, इस वजह से हम उनको क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. तो हमने पढ़ा किसके बारे में? स्टेम के बारे में, ठीक है. स्टेम क्या है? कुछ की स्टेम हार्ड है, कुछ की स्टेम सॉफ्ट है, कुछ की स्टेम बहुत वीक है. ओके, स्टेम का काम क्या था? स्टेम रूट से पानी लेके लीफ को देता है. लीफ का जब खाना बना लेता है तो उसके बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को कौन पहुंचाता है? स्टेम. कभी कभार स्टेम अपने अंदर स्टोर कर लेता है फूड, जैसा कि शुगर केन, अनियन और स्टेम, और हम उसको खाते भी हैं. नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज लीफ. लीव्स ग्रो आउट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्टेम. दे आर फ्लैट एंड ग्रीन. लीफ इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट मेक्स इट्स फूड. लीफ यूजेस सनलाइट. अ गैस प्रेजेंट इन द एयर कॉल कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर टू मेक फूड. लीफ गेट्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. This substance is necessary for the leaf to make food. That is why only plants with green leaves can make their own food. Each leaf is attached to a stem by leaf stalk, underline leaf stalk. Leaf stalk. The food made by the leaves gets stored in fruits, seeds, roots, stems, and sometimes also in leaves. Cabbage kya hoti hai? Band gobi. कैबेज, बंद गोभी एंड मिंट. मिंट मीन्स पुदीना. मिंट, पुदीना स्टोर फूड इन देयर लीव्स. वाइल मेकिंग फूड द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लिव. दिस इज व्हाई वी से दैट प्लांट्स क्लीन द एयर. At night, when there is no sunlight, plants do not make food. They then breathe in oxygen and give out carbon dioxide as we do. This is why it is not good to sleep under or near plants during the night. Functions of leaf, yani leaf ka kya kaam hai? They give out oxygen in daytime and make their air good. They prepare food for the plant. They do breathing for plants and in some plants they store food. अब हम जिस बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है? स्टेम, सॉरी लीफ. कौन सा है? लीफ. अब उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ा था पिछले अभी कि स्टेम का काम क्या है, कि स्टेम के ऊपर क्या ग्रो करते हैं? लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स. तो उन्होंने कहा है लीव्स कहाँ से ग्रो करते हैं? स्टेम के साइड से. क्या करते हैं? लीव्स ग्रो करते हैं, ठीक है. स्टेम के साइड से क्या कर रहे हैं? लीव्स ग्रो कर रहे हैं. और वो क्या होते हैं? फ्लैट. फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधे होते हैं एंड ग्रीन कलर में होते हैं. लीफ पार्ट प्लांट का वो पार्ट है जो क्या बनाता है? फूड. लीफ प्लांट का क्या है? वो पार्ट है जो कि क्या बनाता है? फूड बनाता है, ठीक है. अब वो खाना कैसे बनाता है? लीफ क्या लेता है? सनलाइट, ठीक है. ये लीफ है, ये लीफ क्या ले रहा है? सनलाइट, ठीक है. दूसरा वो क्या ले रहा है? हवा में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले लीफ को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट. दूसरा वो क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद है. और तीसरा वो क्या ले रहा है? वाटर जो कि कहाँ मौजूद है? रूट्स में.
ठीक है, तीन चीज़ें हवा लीव्स ले रहा है। सबसे पहले सनलाइट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद है, और तीसरी ले रहा है वाटर, ताकि क्या बना सके, वो खाना बना सके। अब हमने पढ़ा कि मोस्टली लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन। अब उन्होंने कहा है कि लीफ के अंदर ग्रीन कलर कहाँ से आता है, लीफ के अंदर क्या मौजूद होता है, एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये प्लांट्स में मौजूद होगा, इसका मतलब है कि ये लीफ खाना बना रहा है। अगर ये ग्रीन कलर लीफ में मौजूद नहीं है, इसका मतलब प्लांट्स ने खाना बनाना स्टॉप कर दिया। तो लीफ के अंदर ग्रीन कलर मौजूद है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं हम उसको? क्लोरोफिल। और ये सब्सटेंस बहुत ज़रूरी है लीफ के लिए, क्या बनाने के लिए, कि वो क्या बना सके, खाना बना सके। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो प्लांट्स जिनका कलर ग्रीन होता है, ठीक है, यानी वो लीव्स जिनका कलर ग्रीन होता है, सिर्फ वही अपने लिए खाना बना सकते हैं और बाकी प्लांट्स ऑफ प्लांट्स को दे सकते हैं। अगर लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होगा, इसका मतलब वो अपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए खाना नहीं बना रहा। ईच लीफ इज़ अटैच्ड। अब उन्होंने कहा है हर लीफ स्टेम के साथ जुड़ा होता है, और हर स्टेम के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है? बाई लीव स्टॉक। किसके ज़रिए? लीफ स्टॉक। हर लीफ स्टेम के साथ किसके ज़रिए जुड़ा हुआ है? लीफ स्टॉक। ओके, इसके अंदर ग्रीन कलर मौजूद है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब उन्होंने कहा है कि वो खाना जो कि लीफ बना रहा है, ठीक है, या वो अपने अंदर, या तो वो अपने अंदर जमा कर लेता है वो खाना, या वो किसके अंदर जमा करता है? फ्रूट्स के अंदर, जो कि हम खाते भी हैं, या वो जमा करता है सीड्स के अंदर, या वो जमा करता है स्टेम, या वो कभी कभार अपने अंदर ही जमा कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैबेज यानी बंद गोभी जिसे हम खा रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, देखें तो हम हर लीव नहीं खा सकते, ठीक है, हम वो लीव्स खाते हैं जिनके अंदर कुछ फूड स्टोर हो, यानी उसको खाने से हमें एनर्जी मिले। अब कैबेज है ले लें, मिंट यानी पुदीना ले लें, आप पालक ले लें, आप साग ले लें, या आप धनिया ले लें, ठीक है। वो ये वो लीव्स है जो हम खाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या स्टोर होता है? फूड। वाइल मेकिंग फूड, जब लीव्स खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हवा लीव्स का काम क्या है, वो अपने अंदर क्या लेके जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खाना बनाते वक्त लीव्स अंदर क्या लेके जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर एक गैस निकालते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, हम जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस अंदर लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हम गैस बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेके जा रहे हैं अंदर? प्लांट्स। और प्लांट्स कौन सी गैस बाहर निकाल रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स हवा को क्या करते हैं? साफ। अब रात के टाइम, रात के टाइम तो लाइट सनलाइट होती नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो सनलाइट। तो प्लांट्स, हमने कहा कि प्लांट्स ने अगर खाना बनाना है तो उसके लिए उसको चाहिए सनलाइट। अब रात के टाइम सनलाइट नहीं है तो क्या प्लांट्स खाना बनाएंगे? नो, ठीक है। तो वो रात के टाइम ऑपोजिट काम करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। हम अंदर क्या लेके जा रहे होते हैं? ऑक्सीजन। रात के टाइम प्लांट्स भी वही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो अंदर क्या लेके जा रहे होते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम कर रहे हैं, ठीक है। हम भी रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर रहे हैं। तो हवा में क्या ज़्यादा मौजूद हो गई? अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अंदर ऑक्सीजन की कमी क्या होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, प्लांट्स भी रात के टाइम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं। तो हवा में ऑक्सीजन क्या होना शुरू हो जाती है? कम। डैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गुड और स्लीप अंडर प्लांट ड्यूरिंग द नाइट। इसीलिए वो कहते हैं कि रात के टाइम या तो आपको पौधों के नीचे या पौधों के पास रात के टाइम नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम और प्लांट्स दोनों सेम काम कर रहे होते हैं। जब हम सेम काम करते हैं तो हवा में ऑक्सीजन क्या होना शुरू हो जाती है? कमी, कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें सांस लेने में रात को क्या होता है? मसला होता है, अगर हम पौधों के नीचे सोएंगे या पौधों के पास सोएंगे, क्योंकि रात के टाइम प्लांट्स भी वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं। वो भी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं लीव्स का काम क्या। सबसे पहले लीफ का काम क्या है कि वो क्या बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन। और प्लांट्स बाहर क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन। दे गिव आउट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देते हैं दिन के टाइम, और हवा को क्या रखते हैं? साफ, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन।
सेकंड हमने कहा कि पूरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में लीफ का काम क्या है कि उसने अपने पौधों के लिए क्या बनाना होता है, खाना। वो अपने प्लांट के लिए क्या बना रहा होता है, खाना, फूड। सेकंडली हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने पौधों के लिए क्या लेते हैं, जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्मॉल होल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जिसके ज़रिए वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। और कुछ प्लांट्स अपने अंदर क्या कर लेते हैं, खाना जमा, जिसे हम खा भी सकते हैं, जैसा कि मिंट हो गया, स्पिनिच होगी, कैबेज होगी, ठीक है। तो हमारा लीफ वाला भी क्या हो गया, कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा कि लीफ को अंदर ग्रीन कलर मौजूद है, ठीक है। लीफ का ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। लीफ अटैच्ड है स्टेम के ज़रिए थ्रू लीफ स्टॉक। लीफ को खाना बनाना होता है और वो खाना किसके ज़रिए बनाता है, थ्रू सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कभी कभार लीफ अपने अंदर भी फूड स्टोर कर लेता है और उस स्टोर लीफ को हम खा भी सकते हैं, जैसा कि कैबेज एंड मिंट। रात के टाइम प्लांट्स भी लीफ क्या कर रहा होता है, वो भी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा होता है और हम भी ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो हवा में क्या कम होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, इस वजह से हमें सांस लेने में क्या होता है, मुश्किल होती है, अगर हम पौधों के पास सोएं या उसके नीचे सोएं, ठीक है। लीफ का काम क्या है कि वो खाना बनाते हैं, सांस लेते हैं और अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं, कभी कभार फूड, ठीक है। तो हमारा स्टेम और लीफ वाला चैप्टर क्या हो गया है, कम्प्लीट। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।